नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। आपका नाम? मोहम्मद फहीम। कहाँ से हैं? थाना फतेहगंज पश्चिमी। ये साल भर पहले 22 में मेरे गोली पड़वा दी थी बॉयस में एक तस्कर। गोली पड़वा दी? हाँ। किसने? अनवर सनोब नत्थू आलू वाले। वो कहाँ रहता है? थाना फतेहगंज पश्चिमी में ही वो भी रहता है। वो स्मैक बेचता था, मैं उसका विरोध करता था। अच्छा। हाँ, उसने मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे ऊपर फायर गोली चलवा दी और अब भी बराबर धमकी आ रही हैं और मेरी जान को खतरा है। अच्छा। और अब तक उसे साल भर में कोई जेल नहीं भेजा गया, ना कोई मुकदमा मेरा दर्ज हुआ, मुझे कोई न्याय नहीं मिला। उसे पकड़ कर जेल भेजा जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए उस पर। मैं इतनी मांग करता हूँ उस पर कानूनी कार्रवाई हो। वो स्मैक तस्कर अभी एक महीने पहले वो जेल भी गया है। अच्छा। हाँ, NTPS में। और उसकी संपत्ति की जांच करवाई जाए, उसके जो भी परिवार में खानदान में हैं उनकी सबकी जांच करवाई जाए, संपत्ति किसके नाम में कितनी है उनकी सबकी संपत्ति की जाँच करवाई जाए और जाँच करवा कर संपत्ति को कुर्क करवाया जाए। हाँ, मेरा यही अनुरोध है। आप क्या करते हैं उसके साथ? उसके संग मैं नहीं, मेरी परचूनी की दुकान है। मेरी पर दुकान? हाँ, मेरी घर के ही पास, घर पे ही परचूनी की दुकान है। हाँ, मैं उसका विरोध करता था इसमें का। अच्छा, इसमें हाँ, विरोध करते थे। हाँ, तो आपको कोई न्याय नहीं मिला? ना कोई न्याय नहीं मिला। और मैं बराबर अधिकारियों में थाने में जाता हूँ, कोई कहती है लिख दिया मुकदमा, बोले भेज दी, चार सीट भेज दी, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। ना वो जेल गया, और बराबर महिला थाने में उसकी बीवी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है, मुझ पर रंगदारी का छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा रही है और मुझे महिला थाने की पुलिस बराबर फोन करके बुला रही है। आप SSP साहब से मिले थे जाके? हाँ, SSP साहब ने नहीं, वो CO साहब से मिला था, अंदर बैठे हुए थे आज। हाँ, अभी कप्तान साहब भी थे बैठे हुए। अच्छा। तो बोले वो थाने को ही आदेश कर देते हैं, थाने वाले अपनी वो हिसाब करते हैं। कोई मुझे न्याय नहीं मिला। मैं साल भर से चक्कर चप्पल घिस रहा हूँ अधिकारियों में, बराबर मुझे कोई न्याय नहीं मिला। और वो स्मैक तस्कर वो अपना पैसा फेंकता, वो बैठ रहता है घर पर, मैं घूमता हूँ अधिकारियों में खाली। ठीक। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।